तरफ से जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों, जिस पार्टी के मीटिंग में आप सब लोग बैठे हैं, सही में आप सब लोगों को एक सौभाग्य की बात है कि उस पार्टी का ही एक प्रीत वाक्य है, उठ तरुण जागा हो, युवा स्वाभिमान पार्टी का धागा हो। उठ तरुण जागा हो, युवा स्वाभिमान पार्टी का धागा हो। तो दोस्तों, तरुण युवाओं ने किस तरीके से जागरूक होना चाहिए, वाकई में प्रीत वाक्य में ही हमारे इस पार्टी के बीच वाक्य में है। इस मंच पे यहाँ हमारे ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, आदरणीय शेखर बिसेन जी, पार्टी के गोंदिया जिला अध्यक्ष जितेश राणे जी और तमाम इस पूरे युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ के सारे उपस्थित कार्यकर्तागण, सामाजिक लोग, व्यवसायी लोग, उनको मेरा नमस्कार। दोस्तों, वाकई में जितेश राणे जी ने जो यहाँ पर बात रखी है, हालांकि मैं पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इस मंच पर बैठा हूँ और आदरणीय नवनीत जी राणा जी के साथ में बैठा हूँ, जितेश राणे जी के साथ में बैठा हूँ और उनके साथ में इस मीटिंग को भी अटेंड कर रहा हूँ, इस मेड़ावा को भी अटेंड कर रहा हूँ। इसका कारण अगर आप समझेंगे तो मैंने बहुत सारे सांसदों को अपने छोटी सी उम्र में देखा है, बहुत सारे विधायकों को अपनी छोटी सी उम्र में देखा है, बहुत सारे कार्यक्रम में हम जाते हैं, बहुत सारी समस्या वहां पर आती है, लेकिन जिस हिसाब से सांसदों का रवैया रहता है, विधायकों का रवैया रहता है, तो मैंने देखा है दोस्तों कि 5 साल उनके कैसे चले जाते हैं और उनके एरिया का किस तरह से विकास जहां का तहां रह जाता है और उनके 5 साल जाने के बाद में मात्र एक हाथ में कॉलेज ले लेते हैं और अपनी रिटायरमेंट की लाइफ का पेंशन ले लेते हैं, इतना मात्र उनका विधायक और सांसद का वो कार्यकाल रहता है। इस जिले से भी बहुत सारे ऐसे कई विधायक और सांसद हुए, लेकिन आदरणीय नवनीत ताई राणा जी जो मात्र 3 महीने पहले जो सांसद अमरावती की हुई और उन्होंने जिस हिसाब से पूरे अमरावती जिले की नहीं तो महाराष्ट्र राज्य से लेकर के देश की समस्याओं को जिस तरह से संसद में उजागर किया, दोस्तों वाकई में तारीफ काबिल है। एक बार उनके लिए हम जोरदार तारीफ बजाएंगे, चाहे वो फिर मुद्दा किसी भी विषय का हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, मेड़घाट में कुपोषितों का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, या 370 कलम के ऊपर जो भारत सरकार ने निर्णय लिया, उस निर्णय के ऊपर की बात हो, हर बात को जिस तरीके से उन्होंने जिस अपने कॉन्फिडेंस के साथ में दोस्तों रखा, आज पूरा हिंदुस्तान आज आदरणीय नवनीत राणा जी का दीवाना हो गया है। दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान में आज उनके YouTube चैनल पे देखो, Facebook पे देखो, WhatsApp पे देखो, सारे उनके स्पीचेस देखे जा रहे हैं और हर तरफ से उनके लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? 3 महीने का केवल अनुभव, और हमारे इस जिले की बात है, मैं इसी जिले का हूँ, काचेवाणी मेरा गांव है, ITI 2 साल मैंने 96-98 में मैंने किया था, और उस वक्त का गोंदिया और आज का गोंदिया कहीं भी नहीं बदला है। लेकिन यही 3 महीने का सांसद, 2 बार का विधायक जिस जिले से आता है, 3 महीने के सांसद में दोस्तों उसी अमरावती जिले में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन के लिए मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में दोस्तों मीटिंग होती है और अमरावती जिले के विकास के लिए नए नए प्रोजेक्ट का ऐलान होता है, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो क्या वाकई में हम गोंदियावासी, मैं भी इस गोंदिया जिले का रहवासी हूँ, इसलिए वो आग वो तड़प कहीं ना कहीं हम कहीं भी कमाने के लिए चले जाए, लेकिन जहां अपनी बात आती है, अपने घर की बात आती है, अपने गांव की बात आती है, तो अपना मन जाग उठ जाता है और वो तड़प कहीं ना कहीं तो भी मन में रहती है। और इसलिए उस तड़प को देखते हुए, जैसे जितेश भाई का कॉल आया और पता चला कि भाभी जी नागपुर से गुजर रहे, तो मैंने कहा चलो मैं भी ताबे में शामिल हो जाता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो तड़प हमें भी है कि इस जिले का विकास हो, इस एरिया का विकास हो, इस तालुका का विकास हो, लेकिन प्रॉपर जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए, केवल दोस्तों अपना ही घर भरे और अपना ही पेट भरा करने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन आज वाकई में यहाँ पर जो युवा स्वाभिमान पार्टी के तरफ से जो नेतृत्व यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है, हमें उसके उस नेतृत्व के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है और एक बार मौका देने की जरूरत है, और बाद में मौका देने के बाद में अगर सही में उस हमारे कार्यकर्ता ने, उस हमारे विधायक ने अगर हमारा बात नहीं सुनी, हमारी अगर काम नहीं किया, तो दोस्तों हम उनको कान खींच करके अमरावती के उस दरबार में उनकी
वो हाजिरी लगा सकते हैं कि भैया ये हमारा विधायक काम नहीं कर रहा है करके। ये ताकत दोस्तों आप लोग रखते हैं, इसलिए एक बार आप सब लोगों को इस 3 महीने में जितना जोर लगा देना है एक बार जोर लगाओ। एक मोदी जी के पूरे आंधी में दोस्तों नवनीत राणा जी जैसे सांसद अगर तैर करके दोस्तों किनारा पार कर गई तो ये अभी क्या बात है। वाह वाह, गोंदिया जिला डालन डोल है, गोंदिया में 100% यहाँ का विधायक आएगा, ये हमें भी पूरा विश्वास है। बस आप लोगों को अभी काम करने की जरूरत है, रात दिन एक करने की जरूरत है। मुझे ज्यादा राजनीतिक कुछ भाषण देखे आता नहीं है, आपने मुझे ये मंच प्रदान किया तो सब बोलने का मौका दिया। भाभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।